जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि गुरुजी क्यों कहते थे कि पुत्र बीती बातों को भूल और आगे बढ़। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरुजी लिखना मत भूलना। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। संगत जी, आपने बहुत लोगों से ये वाक्य सुना होगा और कहा भी होगा, संगत जी जो बीत गया उसे भूल जाओ। वो आपके लिए एक सीख देकर गया है। क्या होता अगर विपत्ति उससे भी बड़ी हो जाती। आप खुशी मनाओ कि आपको गुरु जी के चरणों में आने का मौका मिला है। बीते हुए कल के बारे में सोचकर अपना वर्तमान और भविष्य खराब मत करो। गुरु जी पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते जाओ। एक दिन ज़रूर आप सोचोगे कि मैं व्यर्थ में ही उन दिनों के लिए परेशान हो रहा था। सुख दुख जीवन में आते रहेंगे और गुरु जी ने चाहा तो किस्मत आज और अभी बदल जाएगी। वो बड़े दयालु और कृपालु हैं। अगर उनसे कुछ मांगा है तो मिलना तय है। मैंने संगत जी को कहते सुना है कि मैंने जितना मांगा गुरुजी से उससे ज़्यादा मुझे मिल रहा है। जो बीत गया उसे याद करके पछतावा मत करो। जैसा मैंने कहा, विपत्ति बड़ी भी हो सकती थी, वो कम में निपट गई। हम समय और जीवन को बुरा कैसे कह दें। संगत जी, इसी समय और जीवन ने हमें गुरुजी से भी तो मिलवाया है, तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। एक बार दरबार सजा हुआ था। गुरुजी अपनी संगत के साथ वार्तालाप में व्यस्त थे। एक संगत जी गुरुजी के पास आई और उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी हम आपका दिन रात दिल से शुक्राना करते हैं। गुरुजी, कल हमारे घर सत्संग था और हमने अपने बेटे को ऑफिस से जल्दी आने को कहा, लेकिन कल जब वो सत्संग के लिए घर जल्दी आ रहा था तो एक कार से उसकी स्कूटी की टक्कर हो गई और उसके दाएं हाथ में फ्रैक्चर आ गया और अब वो ऑफिस भी नहीं जा पा रहा है। गुरुजी, आप चाहते तो उसकी रक्षा कर सकते थे। गुरुजी ने बस एक लाइन कही, वो बच गया। काफ़ी नहीं क्या? वो समझ गए गुरुजी क्या कहना चाहते थे। विपत्ति और बड़ी हो सकती थी। गुरुजी यही बताना चाहते थे कि शायद वो दिन उनके बेटे का आखिरी दिन था, लेकिन उनके आशीर्वाद से वो बच गया और एक बहुत बड़ी मुसीबत गुरुजी ने टाल दी। इसलिए गुरुजी पर भरोसा रखो, वो जो करेंगे उसमें सबका भला होगा। इसलिए जो बीत गया उसे भूल जाना चाहिए, उसे कभी भी याद करके दुख नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।